हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आठ मंत्रा। आठ मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग का एक डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। जो लोग मेरा लास्ट वीडियो से पहली वाली वीडियो देखे नहीं है, ज़रूर देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी। उसमें मैं काफ़ी डिटेल में बताया हूँ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है, और हमारे जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग और उसका शेडिंग मिला के वो 3D का इफेक्ट क्रिएट करता है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग ही 3D का इफेक्ट क्रिएट करता है 2D सरफेस का ऊपर, लेकिन अगर उसके साथ हम शेडिंग को जोड़ दें तो बिल्कुल 3D जैसा फील होता है। तो आज एक छोटा सा ड्राइंग मैं करता हूँ। जो लोग देखे नहीं हैं पिछले वीडियो, ज़रूर देखें, नहीं तो अधूरा देख के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बॉक्स, और ये अंदाजन इसको मैं बाद में, पहले इसमें एक बड़ा सा बॉक्स बना रहा हूँ और इसको मैं फिर बाद में डिवाइड करूँगा, कुछ बॉक्सेस और उसके अंदर बनेंगे और फिर देखते हैं ये क्या होता है। मैं इसको 3 भाग कर रहा हूँ। मेरे को करीब करीब ये अंदाजन इसको डिवाइड करते हैं। ये एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए है, इसमें कोई परफेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये डेमो है ताकि आपको पता चले कि ये कैसा दिखता है। इसको भी हम 3 भाग करेंगे अंदाज से, करीब करीब, एग्जैक्ट ना हो तो भी चलेगा। आप भी इसको घर में ट्राई कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे और उसमें भी शायद 2-3 वीडियोस बनेंगे। वीडियो तो और ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम इसको शॉर्ट रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में जाने से क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाती है, फिर उनके लिए काफ़ी बोझ बन जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सारे वीडियोज़ को छोटा करेंगे, बाकी बाद में जब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा बाद में हम उसी पे और डिटेल लेके आएंगे। क्योंकि बात यह है कि अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आ जाए, थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए, तो हम उसको एनहांस कर सकते हैं आगे। जिसको बिल्कुल पता नहीं है तो ग्रास्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको ढंग से देखें, समझें और मैं इसको बाद में मिटाऊंगा। इसका अंदर कुछ बॉक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अंदाज से कर रहा हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं लिया हूँ, ताकि हम इसको शेडिंग जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। अभी देखिए, अब आपको समझ आ जाएगी मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैं मेजरमेंट लेके करता थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन परफेक्ट होता। मैं इसको, ये एक्स्ट्रा लाइंस को मैं इरेज कर रहा हूँ, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका ऊपर लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, लाइन ड्रॉ होने के बाद ये इरेज नहीं हो पाएगा। और आप इसको ध्यान से देखिए किस तरह से ये 3D इफेक्ट बनने वाला है। इसी तरह से हम लेटर्स को भी बना सकते हैं, जो भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स करते हैं उसको हम कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं इसको ये सारे कॉर्नर्स को जोड़ दूंगा अभी, और ये हो गया, और ये हो गया। मैं इसको जोड़ रहा हूँ सारा, एक अच्छा सा एग्जांपल है 2D ड्राइंग का, जिसमें 3D इफेक्ट बिल्कुल पूरा आपको मिलेगी। और अभी ये सिर्फ ड्राइंग है, इससे भी आपको अगर ध्यान से देखें तो इससे भी थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह से दिखता है। देखिए, ये हो गया। अगर मैं इसको, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे, मैं बातें कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको
मैं एक करता हूँ, बाकी को मैं फर्स्ट फॉरवर्ड करके फील करने के बाद दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। इसको डार्कन कर दिया, ये सारे को हम डार्क कर देंगे। अब इसमें ब्लैक कलर भी भर सकते हो। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ बॉक्सेस है, या इसको आप कोई रूम या कोई स्पेस ऐसे देखिए जो अंदर तरफ जा रही है। ये एक दीवार है, एक दीवार है, एक दीवार है, तीन दीवार है। तो हम इस तरफ से देख रहे हैं तो ये दीवार के पीछे तरफ हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई एक दीवार को हम और थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे, जैसे कि थोड़ा सा लाइटर शेड दे देंगे, थोड़ा सा हल्की शेड दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक को आपको करके दिखाता हूँ, बाकी सारा मैं हल्का सा करके रखूँगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करने वाला, मैं बना के ही रखूँगा ताकि हमारा टाइम बच जाएगा और आपको पता चल जाएगा। अब मैंने इसका शेडिंग को ख़त्म कर दिया है और ये लाइंस को थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ ताकि वो कंट्रास्ट नज़र आए। जितना कंट्रास्ट नज़र आएगा उतना उठा हुआ या अंदर जाता हुआ नज़र आएगा। अगर आप इसको कलर में कर सको तो ब्लैक कलर आप इसके जगह ब्लैक कलर डालोगे तो और उसका डेप्थ बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर में डेप्थ ज़्यादा होता है। हमने ऑलरेडी शेडिंग कर रखे हैं दीवारों पे, तो ब्लैक और ज़्यादा कंट्रास्ट देगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से ये जो टू डायमेंशनल सरफेस पे हमने सिर्फ कुछ पर्सपेक्टिव लाइंस ड्रॉ करके एक दीवार बनाया है। दो तीन दीवार दिख रहा है आपको, लेकिन ये लग रहा है कि ये अंदर तरफ जा रही है और ये जो फ्लैट पैच है रेक्टेंगुलर वो एक दीवार है ये, और ये दोनों उसका ये छत है और ये साइड का वॉल है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो कि आपका सामने है। आप इसको जितना खूबसूरत ढंग से शेडिंग करोगे, मैं तो अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसको अगर ब्लैक कलर में करोगे और ये सारे शेडिंग को परफेक्टली करोगे, परफेक्टली मतलब मर्ज करोगे, तो और खूबसूरत नज़र आएगा। तो ज़रूर आप इससे पहली वाली वीडियो देखिए और इसके बाद हम बात करेंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का। पहले एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उसका और डिटेल में जाएंगे और अलग अलग तरह के ड्राइंग करके देखेंगे कि किस तरह से नजर आता है। आप इसको कलर कीजिएगा ब्लैक कलर और ये बहुत ही खूबसूरत पर्सपेक्टिव का इल्यूजन देता है। ये एक इल्यूजन है, ये सारे जो है ड्राइंग्स है वो रियल में थ्री डायमेंशनल नहीं दिखता है, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट करता है एज इफ इट इज़ अ 3D ऑब्जेक्ट। सो इसको हमें ध्यान में रखते हुए सारे ड्राइंग आगे भी जो भी ड्राइंग करेंगे, कोई लैंडस्केप हो या कोई, सारे में यूज़ होता है। जो भी सामने वाली चीज़ बड़ी दिखती है और पीछे या दूर वाली चीज़ छोटी दिखती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक डेमो था आपके लिए और इससे आपको सीखने मिलेगा। आप ज़रूर इसको कीजिए। हम इसको आगे दूसरा अलग अलग चीज़ों पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है हमें ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका सारे जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।